ये जो QMS होता है एक प्रिंसिपल्स पे काम करता है, और उसके सात बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, आप जनरली देखोगे कोई भी ISO होता है ना, वो प्रिंसिपल पे काम करता है, किसी ना किसी तरह का उसमें कोई प्रिंसिपल जरूर होता है। हम बात कर रहे हैं 9001 की, इसलिए हम क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। सात प्रिंसिपल्स हैं ये। सबसे पहला है कस्टमर फोकस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा है प्रोसेस अप्रोच इंप्रूवमेंट, इसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, और फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले बात करें कस्टमर फोकस की। कस्टमर फोकस का सिंपल मतलब पता है क्या होता है? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। बस जब आप अपना काम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर करते हो, तो कहने का मतलब ये होता है कि आप कस्टमर फोकस होके काम कर रहे हो। ये पहला प्रिंसिपल यही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करो। सीधी सी बात, कस्टमर क्या चाहता है? हम कंप्लेंट क्यों हैंडल करते हैं? नहीं करें कंप्लेन हैंडल, पर इसलिए करते हैं ना क्योंकि हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ सकें। क्योंकि आपका जो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपको सीधे कस्टमर से डायरेक्ट कोई वो रिक्वायरमेंट पता नहीं चलती है। क्योंकि आप कोई सप्लायर ऐसे तो है नहीं कि आपके पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे ये कुर्सी बनानी है, इसका ऐसा बना देना ऐसा बना देना, तो वो लिख के चला गया और आपने कुर्सी बना के दे दी। ऐसा तो है नहीं, आपने अपनी सोच डेवलप करी, आपने अपने आइडियाज डेवलप करे, आपका जो भी इनोवेशन क्रिएटिविटी जो भी रहा उसकी बेसिस पे आप उस जगह पे पहुंचे, आपने वो मैट्रेस तैयार किया, आपने उसको मार्केट में लॉन्च किया। अब जब एंड यूजर जो था, जिसने उसको यूज किया, उसने फिर उसमें कोई चीजें देखी और फिर उसने किसी तरह से आपसे कम्युनिकेट करके आप तक वो अपना मैसेज पहुंचाया कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है ना। अब उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है, मतलब आपको एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर काम करना है। और जब आप ये काम करते हो तो आप कस्टमर फोकस होकर काम करते हो। सिंपल सा ये मतलब है इसका, कस्टमर फोकस होना। अब प्रॉब्लम क्या है कि 9001 या कोई भी ISO आप देखोगे ना, उसमें लैंग्वेज बड़ी वो हो जाती है, कई दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड, या जब उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं ना तो थोड़ा सा अलग जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको डीपली समझो, एक्सपीरियंस करो, और चीज़ों को जब धीरे धीरे समझते हो, तो समझ आता है कि इसका मतलब कुछ और है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर जब आप काम करोगे, तो आप कस्टमर फोकस होकर काम करोगे। ये पहला प्रिंसिपल है, मतलब इसकी अहमियत आप समझिए, कस्टमर की इंपॉर्टेंस यहां से समझ आती है। इसके बाद लीडरशिप, कोई भी चीज बिना टॉप मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के अचीव नहीं हो सकती, है ना। टॉप मैनेजमेंट में जो है, टॉप मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया, जिनके पास डिसीजन लेने का पावर है, जो डिसीजन ले सकते, जो डिसीजन मेकर है ना, वो टॉप मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट का मतलब यही नहीं कि सिर्फ ऑनर, जो जो कंपनी के मालिक हैं या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ वही नहीं, डिपार्टमेंट में भी जिसके पास डिसीजन लेने का पावर है वो टॉप मैनेजमेंट है। ठीक, तो टॉप मैनेजमेंट को यहां पर लीडरशिप शो करनी है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी होगा वो टॉप मैनेजमेंट के कहने के बाद ही तो होगा। टॉप मैनेजमेंट की इच्छा, टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल, उसके बाद ही कुछ होगा ना, तो उसे लीडरशिप शो करनी होगी। लीडरशिप का मतलब क्या है कि हाँ मैं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, ये लीडरशिप होती है। और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करने के लिए टॉप मैनेजमेंट को वो लीडरशिप दिखाना होगी। समझ रहे आप लोग बात को? ऐसा तो नहीं, कुछ हेवी तो नहीं हो रहा ना? ठीक है ना, तो वो चीज होती है लीडरशिप। ये दूसरा प्रिंसिपल है। इसके बाद बात आती है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। एक कहावत है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना, सुनी आपने? सुनी होगी।
है ना, भाड़ होता है ना, नहीं नहीं जिसमें वो डाले जाते हैं, चने डाले जाते हैं, है ना, हाँ, तो वो कभी देखा आपने, फूटते हैं भड़बड़ करके, कभी देखना वो भट्टी होती है उसमें डालते हैं, तो आवाज़ तो अकेला होगा ना चना, तो वो नहीं फोड़ सकता, बहुत सारे चने उसमें डालना पड़ता है। तो ये एंगेजमेंट ऑफ पीपल ये वही है। सिर्फ हम ये सोच लें कि सिर्फ लीडरशिप ही सारा काम कर लेगी तो वो पॉसिबल नहीं है। लीडरशिप क्या है या टॉप मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन लेंगे, पर वहां तक बातें हो सकता है कि नीचे लेवल से भी पहुंचे, है ना। तो एंगेजमेंट ऑफ पीपल क्या हो गया, हर इंसान की बात या हर इंसान का जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनका एंगेजमेंट होना। तो एंगेजमेंट ऑफ पीपल ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। इन्वॉल्विंग पीपल मीन्स इंश्योरिंग दे आर कंपिटेंट, एम्पावर्ड एंड एंगेज्ड, ठीक है ना, उनका एंगेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि आइडिया कहीं से भी आ सकता है। आप बात क्या कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड में, जो सबसे लास्ट वाला क्लॉज है वो है इंप्रूवमेंट का क्लॉज, मतलब अल्टीमेटली आपको इंप्रूवमेंट चाहिए ना। इंप्रूवमेंट कहीं से भी आ सकता है, कोई भी बता सकता है कि ये करिए इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो उसके लिए क्या जरूरी, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। कई जगह पर आप देखते हैं सजेशन बॉक्स लगे होते हैं जिसमें लोग अपना सजेशन डालते हैं, तो ये एंगेजमेंट ऑफ पीपल, ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। इसके बाद प्रोसेस अप्रोच, ये चौथा प्रिंसिपल है। प्रोसेस क्या होती है, वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, जो कुछ आप करते हैं वो प्रोसेस होती है। अभी आप यहां बैठ के ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये प्रोसेस है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये एक प्रोसेस कर रहा हूं मैं। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है वो प्रोसेस होती है, सिंपली। हम वो उसकी डेफिनेशन में मत उलझिए, है ना, प्रोसेस की डेफिनेशन मत जाइए, सिंपली अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो प्रोसेस, वट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। और इस बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रोसेस होती है, क्वालिटी की प्रोसेस हो गई, मेंटेनेंस की हो गई, प्रोडक्शन की हो गई, डिस्पैच की हो गई, स्टोर की हो गई। तो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली सेट ऑफ प्रोसेस, है ना, सही है ना, ठीक। हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे, हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं अभी। और प्रोसेस अप्रोच क्या हो गया, हर प्रोसेस का किसी दूसरी प्रोसेस के साथ एक इंटरेक्शन होता है, एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को पहचानना और उसके तहत काम करना, यह प्रोसेस अप्रोच होता है, है ना। क्वालिटी डिपार्टमेंट में कंपिटेंट लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक, इसके लिए आप एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इस डिपार्टमेंट के लिए, इस पोस्ट के लिए इस कंपिटेंसी का बंदा चाहिए। तो ये दो प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक कर गई ना, ठीक, इसको पहचानना, ये प्रोसेस अप्रोच होती है। जब आप प्रोसेस अप्रोच के साथ काम करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, आपको लूपहोल्स भी पता चल सकते हैं, कहां कमी रह गई, कहां कहां क्या कमी है। ये प्रोसेस अप्रोच इसका चौथा प्रिंसिपल है। ठीक, क्लियर आप लोगों को, सब वो तो नहीं हो रहा ना, बोरियत वगैरह सब नहीं। देखिए रिसोर्सेस की बात करी हमने, रिसोर्स क्या है, वही कंपिटेंट लोगों की जरूरत होना रिसोर्स है, कोई मशीन चाहिए, डिस्पेच परचेस डिपार्टमेंट से बात करना होगी, ये प्रोसेस अप्रोच है, इसको पहचानना। पांचवा प्रिंसिपल है इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट आपको हमेशा करना है। और इंप्रूवमेंट कैसा है, यहां पे कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है, वो हमेशा चलता रहेगा। इसको हम बाद में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये छठा प्रिंसिपल है, एविडेंस होना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं ना तो उसके उसका उसका एविडेंस होना चाहिए आपके पास। कस्टमर की कंप्लेंट आई, ठीक, उस पर आपने क्या काम किया,
एक्शन प्लान जो आपने लिया है ना, उसका एविडेंस हो, ठीक। तो ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, हर चीज का एविडेंस होना चाहिए। यहां पे कोई भी बात बिना एविडेंस के नहीं होती। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अपन कंट्रोल प्लान वगैरह की बात कर रहे थे, है ना, कंट्रोल प्लान बनाए, अब कंट्रोल प्लान में हमने कोई चीज लिख दी कि हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे और वो मिल ही नहीं रहे, या हम कोई रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या हमने उसकी कोई प्रोसेस बनाई है, क्या हमारे पास कोई प्रोसेस फ्लो डायग्राम है जिसमें हमने बताया था कि हम ये प्रोसेस करने वाले हैं और उसकी वजह से हमें ये रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। एविडेंस होना चाहिए और उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है उसका भी आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए हर चीज़ का कि हमने अगर ये काम किया, अगर हमने ये इम्प्रूवमेंट किया तो उसके पीछे कारण ये था, ये उसका एविडेंस है। कस्टमर की कंप्लेंट थी, कस्टमर ने कहा कि आपकी ये जो डायगोनल का इशू आता है और इसलिए हमने ये डेवलपमेंट किया, है ना, वहाँ पे एक डायगोनल का कुछ इशू था पहले, अब वो शायद सॉर्ट आउट हो गया है ना, क्यों विश्वास सर था ना, तो वो जो इशू होते हैं अब उसका एक एविडेंस होना चाहिए ना कि हमने क्यों कर लिया, ये इंप्रूवमेंट क्यों हो गया। तो वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन आपने लिया वो एक एविडेंस पे बेस होना चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कर लिया कि चलो क्या करें, चलो ऐसा कर देते हैं, नहीं, क्या कुछ एविडेंस हो उसके पीछे, ठीक। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफन इट प्लेज टू नोन योर कंपिटिटर्स एज क्लोजली एज यू नो योर कस्टमर्स। रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये, तो ये जैसे मैंने कहा ये थोड़ा सा हाई लेवल का मामला चला जाता है, लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व होती है, उसका मामला मेन है ये जो प्रिंसिपल है उसको मेन टारगेट करते हुए बात करता है।